अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये डबल चॉकलेट कपकेक की रेसिपी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, स्पंची और डिलीशियस बनके तैयार होता है। तो इसे बनाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, डेली बनाना चाहेंगे तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने गनाश बनाना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप चॉकलेट, जो कि मिल्क चॉकलेट लिया है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें ले लिया है 1/4 कप फ्रेश क्रीम और 1 से 2 टीस्पून डाल दिया है मिल्क मेड। इससे अच्छा टेस्ट आता है तो आप ज़रूर डालिएगा। अभी इसमें मैं डाली हूँ 1 टीस्पून कोको पाउडर, काफ़ी अच्छा कलर भी आएगा तो आप ज़रूर डालिएगा। अभी इसे हम डाल देते हैं ओवन में 10 मिनट के लिए 150 डिग्री पर, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारा चॉकलेट। और उसके बाद क्या करना है, जैसे ये मेल्ट हो जाए आप ओवन से निकालें, तो इसके बाद इसे अच्छे से विस्क कर ले, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और इसे अच्छे से कवर करके हमें डाल देना है इसको फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद हमें चलिए कपकेक तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में डाल दिया है 1/4 कप दही। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप ऑयल, जो कि रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है। और फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 कप शक्कर पाउडर। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर यहाँ पर मैं विस्क का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फॉक का यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मली चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अभी हमें इसे साइड कर देना है। इसके बाद चलिए एक ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने बाउल में लिया है 1 कप मैदा। और फिर डाल दूंगी इसमें मैं 1/3 कप कोको पाउडर, और फिर डाल दिया है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग सोडा, और चुटकी भर हम डाल देंगे इसमें नमक। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने अपने वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे, उसमें इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है स्पैचुला की मदद से। आप चाहे तो इसे किसी भी चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे हाथ धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम सारे पाउडर वाले इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा ड्राई है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1/4 कप मिल्क, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने यहाँ पर दूध लिया है वो डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो अच्छे से इस तरीके से आप मिक्स कर ले तो हमारा जो बैटर है कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। तो इसी तरीके का बैटर हमें तैयार कर लेना है। तो बस अब चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है अपने पेपर कप्स को, मैंने डाल दिया है मोल्ड में, और इसी में थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर डाल देना है। तो देखिए सारे कप्स में हमने बैटर को डाल दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसे 1 से 2 बार डैप कर लेना है और इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 20 मिनट के लिए। तो अभी इसे बेक कर लिया है हमने, देखेंगे आप ये बिल्कुल सॉफ्ट सा और स्पंची बनके तैयार हो गया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंची बनके तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल बनाएंगे तो आपका भी जरूर ही बनेगा, तो आप जरूर ट्राई करें। गनाश भी जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस इस तरीके का गनाश हमारा है। तो आपको अगर थोड़ा सा और भी थिक चाहिए तो आप क्या करें, इसमें चॉकलेट ज़्यादा ऐड कर दें। तो बस इस तरीके का मुझे चाहिए था तो मैंने ऐसे ही बना लिया। तो बस इसको क्या करना है, आपको कपकेक के ऊपर ऐसे रख देना है, और ऊपर से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं क्रश करके, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको भी पसंद है तो आप भी ज़रूर डालिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।